अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 10 लग्जरी गाड़ियां, 5 अवैध हथियार और 3 जिंदा रौंद खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला अंतर्राज्यीय वाहन चोर सरगना सहित मेवात के 5 बदमाशों को CIA तावड़ू पुलिस ने दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपियों से 10 लग्जरी गाड़ियां, 5 अवैध हथियार, 3 जिंदा व 1 खाली रौंद बरामद किया है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में गिरोह के सदस्यों से 20 लग्जरी गाड़ियों को देश के अलग अलग राज्यों से चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को अलग अलग दिन कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर उनसे पूरा राज उगलवाने का काम किया है। सबसे खास बात तो है कि उपरोक्त गिरोह गाड़ियों के इंजन व चेचिस नंबर बदलकर फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें बेचने का काम कर रहा था। इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। यह जानकारी पुलिस कप्तान वरुण सिंगला नूह ने आज पत्रकारों को दी है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा है कि गत 16 मार्च को फरीद पुत्र अख्तर निवासी सतपुतिया का शकील पुत्र रसीद निवासी सलाहेड़ी को सूचना के आधार पर पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उपरोक्त बदमाशों ने पुलिस पर सीधा फायर कर दिया। पुलिस कर्मचारियों ने भी अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर किए। CIA तावड़ू पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने मुकदमा नंबर 148, 149, 323, 332, 353, 307, 186, 224, 506, 120 वी आर्म एक्ट धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP नूह वरुण सिंगला ने कहा है कि गत 17 मार्च को आरोपी फरीद को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। पूछताछ के दौरान सरगना नसीम पुत्र अख्तर निवासी सतपुतिया का को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गत 18 मार्च को नसीम को अदालत में पेश करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान 19 मार्च को 2 देसी बंदूक, 2 अवैध देसी कट्टे, 1 खाली खोल, 1 शिफ्ट गाड़ी बरामद की गई है। गत 19 मार्च को सलीम पुत्र अयूब निवासी घासेड़ा को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह 20 मार्च को सलीम को अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उसे भी काफी सामान बरामद हुआ। गत 21 मार्च को भी आरोपी से पूछताछ के दौरान बरामदगी की गई। गत 22 मार्च को शकील व नसीम को अदालत में पेश करके दोबारा से 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। इस तरह गत 23 मार्च को अजीम पुत्र वहीद निवासी पल्ला को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने पकड़े गए सभी आरोपी से 2 क्रेटा, 2 होंडा सिविक, 1 स्विफ्ट व 1 मारुति ब्रेजा, 1 इको, 1 सेंट्रो कार और 1 i10, 1 इर्टिका, 1 i20, 1 ट्रैक्टर आइसर ट्रॉली, 5 अवैध असलहा, 3 जिंदा रौंद बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा है कि पकड़े गए उपरोक्त आरोपियों पर पहले भी वाहन लूट, चोरी इत्यादि के तकरीबन 8 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस कप्तान ने कहा है कि उपरोक्त गिरोह दूर दराज राज्यों से गाड़ी चोरी करके इंजन तथा चेसिस नंबर बदलकर फर्जी कागजात तैयार करता था और मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसे बेच देता था। इस मामले में कई लोगों के नाम और सामने आ रहे हैं। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जल्दी ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर CIA तावड़ू पुलिस को वाहन चोर गिरोह को काबू कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने CIA तावड़ू के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि इस गिरोह में आने के बाद वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम लगने से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, 16 मार्च 2023 को एक खुफिया जानकारी के ऊपर हमारी CIA तावड़ू की जो टीम है उसके द्वारा एक अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर जो गिरोह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आदि से व्हीकल चोरी करने में सक्रिय था, उसके संबंध में सूचना मिलने पर
गांव सतपुतियाके में रेड की गई थी सुबह के टाइम पर, जिसमें हमारी जो अपराधी इसमें संलिप्त थे उनके साथ मुठभेड़ हुई थी। उसमें अपराधी नसीम पुत्र अख्तर निवासी सतपुतियाके के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए थे। इसके जवाबी फायर में इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने अपने पिस्टल से हवाई फायर किए थे एवं जो मुलाजिम वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी अपने अपने वेपन से हवाई फायर किए थे और पुलिस टीम की सुरक्षा करते हुए अपराधियों की धरपकड़ की थी। उस दिन मौके से दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके नाम फरीद पुत्र अख्तर निवासी सतपुतियाकी और शकील पुत्र रसीद निवासी सालाहेड़ी हाल निवासी सराय थाना मुंडकटी के रूप में हुई थी। इसमें जो ये फरीद पुत्र अख्तर है ये मौजूदा सरपंच जो गांव सतपुतियाकी का है। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें अभियोग संख्या 140 दिनांक 16 मार्च 2023 धारा 148 149 323 332 353 307 186 224 506 120 बी आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत सदर नुह में यह मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें चोरी की गाड़ियां से में का व्यापार करना एवं पुलिस पर जो है अटैक करना से संबंधित धाराएं लगाई गई थी। मामले की तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो एक इसमें बड़े गिरोह का जो है खुलासा हुआ जिसके अंदर काफी सारे जो अपराधी हैं वो संलिप्त पाए गए। इसी कड़ी में जो मुख्य आरोपी था नसीम पुत्र अख्तर निवासी सतपुतिया की, उसकी गिरफ्तारी 17 मार्च को पुलिस द्वारा की गई। तो नसीम से हमें 9 गाड़ी जो चोरी की थी जिनके चेसिस इत्यादि नंबर सब चेंज किए हुए थे वो बरामद हुए एवं 4 अवैध हथियार जिसमें 2 देसी बंदूक और 2 देसी कट्टे और 1 काली कोल हमें उससे बरामद हुआ। एवं फर्दर आगे इंटेरोगेशन बढ़ाने पर सलीम पुत्र अयूब निवासी घासेड़ा थाना सदर नुहू की गिरफ्तारी 19 मार्च को पुलिस द्वारा की गई, जिससे कि 1 देसी पिस्टल और 3 जिंदा रोंद बरामद हुए। मामले की आगे इंटेरोगेशन के दौरान जो पुलिस रिमांड में उक्त अपराधियों ने जो जो खुलासे किए थे उसके आधार पर अजीम पुत्र वहीद निवासी पल्ला थाना सदर नुहू की गिरफ्तारी 23 मार्च को की गई है। जो प्रथम दृष्टया इसमें सामने आया है कि इसमें कई सारे हिस्सों में ये इस अपराध को कई सारी कड़ियों में ये कार्य करते थे। इसमें एक कुछ लड़के वाहन चोरी करने में माहिर हैं, कुछ लड़के उनके अंदर चेसिस नंबर नए लगाने में माहिर हैं, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले हैं और फिर आगे उन वाहनों को आगे मार्केट में रीसेल करने के लिए कुछ लोग उसके लिए कारिंदे हैं। काफ़ी बड़ा गिरोह है जिसके 5 सदस्य हमने अभी तक पकड़े हैं। बाकी गिरोह के सदस्य जो हैं वो अभी वांछित हैं, अपने अपने ठिकानों से वो छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है कि उनका हम जल्द से जल्द उनको हम पकड़ेंगे। अभी भी हमने इसमें जो आरोपी शकील था उसकी पहले हमने माननीय न्यायालय से 5 दिन की पुलिस रिमांड ली थी। इसके उपरांत तफ्तीश क्योंकि इसमें काफ़ी विस्तृत थी हमें 4 दिन की और हमने माननीय अदालत से इसकी रिमांड ली। इसी प्रकार से नसीम की पहले 4 दिन की रिमांड ली गई थी, उसको 4 दिन की अवधि और बढ़ाई गई। सलीम की भी 4 दिन की रिमांड ली गई थी। तो अपराधियों से बड़ी गहनता से पुलिस पूछताछ कर रही है एवं इससे जुड़े हुए हर व्यक्ति की जो है धरपकड़ की जाएगी और निश्चित तौर पर इससे जो ये वाहन चोरी का और उसको नंबर चेंज करके मार्केट में बेचने का जो बड़ा एक गिरोह है उसका पर्दाफाश हुआ है। और करीब करीब जो पूछताछ में आई है 10 गाड़ियां तो हमें बरामद हो चुकी हैं और 20 गाड़ियों से अधिक लग्जरी गाड़ियों की चोरी करना इनके द्वारा कबूल किया गया है। इन 10 गाड़ियों में से 4 गाड़ियों के हमें FIR क्लियर हो गई हैं, जबकि 6 गाड़ियां जो हैं उसके संबंध में अभी उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास लेके जाना पड़ेगा ताकि वो उसका असल चेसिस नंबर इंजन नंबर हमें बता सकें, क्योंकि अपराधियों के द्वारा सभी तरह की उसके जो पहचान थी उसको मिटा दिया गया है तो उससे उसके असल जो मालिक का पता नहीं लग पा रहा है, जिससे कि उसकी FIR के बारे में पूछताछ नहीं हो पा रही है। और बाकियों के बारे में हमने एक मोहाली से चोरी पाई गई है, एक चंडीगढ़ से चोरी पाई गई है, एक धारूबेड़ा से चोरी पाई गई है और एक के अंदर हमें नूह के ही किसी ऑनर की मिली भगत आ रही है, जिसमें उसने फाइनेंस पे गाड़ी छुड़वा के और इसको रफा दफा करने के लिए इन अपराधियों के हवाले की थी। तो इस प्रकार से 4 गाड़ियों का हमें पता लग गया है, बाकी गाड़ियों के विषय में पता लगा रहे हैं और जो बाकी गाड़ियां इन 10 के अलावा हैं इस गिरोह के द्वारा जो की गई हैं खुर्द बुर्द उसके संबंध में हम पता जो ही कर रहे हैं।
देखिए, ये तो गाड़ी के मॉडल इत्यादि को देखते हुए और उसकी मार्केट वैल्यू को देखते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए अलग अलग तरीकों से ये उसको बेचा करते थे। इंजन नंबर, चेसिस नंबर, अधिकतर जो पूछताछ में सामने आया है कि जो ये स्क्रैप गाड़ियां हो जाती हैं, स्क्रैप डीलर्स से ये पता करते थे कि कौन कौन सी गाड़ियां स्क्रैप हो चुकी हैं, और उन गाड़ियों के चेसिस नंबर एक बड़ी ही साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से गाड़ी के ऊपर लगाते थे, जिससे कि असल चेसिस नंबर में और जो बाद में लगाए हुए चेसिस नंबर में फर्क करना बड़ा मुश्किल रहता है। इस कारण से फिर इनकी री रजिस्ट्रेशन करवा के और इनके फर्जी कागजात तैयार करवा के वो इनको आगे मार्केट में उतारा करते हैं।